लोकसभा चुनाव के लिए हमें कोई स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तैयारी जो है वो हमारी एक निरंतर एक प्रक्रिया है, उसके तहत चलती रहती है। देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो हमारा संगठन जो है वो 24/7 इस बात के लिए तैयार रहता है। हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो इस बात की इंतज़ार नहीं करते हैं कि कब चुनाव आएंगे और उसके लिए वो तैयारी करेंगे। हमारा संगठन माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में वो 24/7 काम करता रहता है। तो उसी के तहत ये जो एक महीने का महाजन संपर्क अभियान है 31 मई से लेकर और 30 जून तक, उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि इस बारे में निर्णय जो है वो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व करता है और जो उनका नेतृत्व हमारा जो डिसाइड करता है तो हम लोग सब उसका पालन करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई ऐसा अधिकार क्षेत्र है ये कि मैं उसके बारे में टिप्पणी करूँ। जो भी बात हमारे वरिष्ठ नेता इसके बारे में निर्णय करेंगे और नेतृत्व जो हमारा निर्णय करेगा वही हमारे सर मांगे। जब आप एक संगठन में काम करते हैं तो आपकी इंडिविजुअल राय कोई मायने नहीं रखती है और आपकी इंडिविजुअल राय होती भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी कोई इंडिविजुअल राय है तो वो हम शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में बताते हैं। एक अभय सिंह चौटाला का कल बयान था कि जो गठबंधन में दरारें पड़ी हैं उस वजह से जो तीन सालों में साढ़े तीन सालों में जो बीजेपी जेजेपी ने जो गठबंधन के दौरान जो लूट मचाई है पूरे हरियाणा भर में उसका बंटवारा सही ढंग से नहीं हो पाया था, इस वजह से दरारें आ रही हैं। देखिए, ऐसा है कि एक पारिवारिक जो उनकी आपस में लड़ाई चल रही है उसके लिए वो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी और जो है आक्षेप लगाते रहते हैं। तो उसके बारे में मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इस जनसभा का संयोजक हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझे नियुक्त किया है और इसके साथ साथ हमारे जो समन्वयक हैं आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं गुर्जर साहब वो भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो व्यवस्था प्रमुख हैं हमारे जो पूर्व में मंत्री रहे विपुल गोयल जी वो भी आ जा रहे हैं। तो सब मिलकर पूरी व्यवस्था का जो है वो चाक चौबंद करें। हमारे जिला अध्यक्ष जी तो दिन रात इसमें लगे हैं, गोविंद जी हमारे लगे हैं, तो हम सब लोग जो हैं वो इस व्यवस्था को सब दुरुस्त करके ठीक ठाक तरीके से ये जनसभा हो पाए इसके लिए सभी प्रयासरत हैं।